हेलो एस्पिरेंट्स, सो दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव जहां पर हम करेंगे कुछ बकवास। तो सबसे पहले बकवास शुरू करने से पहले मैं बकवासबाज नंबर वन, साथ में मेरे बकवासबाज नंबर टू, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि पहले बकवास होती क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं अपने सर से सामने जो बैठे हमारे उनसे पूछूंगा कि सर बकवासबाजी का सिग्निफिकेंस या बकवास का सिग्निफिकेंस होता क्या है जीवन में। देखिए बकवास जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और पर्टिकुलरली इंडिया में तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। हमारी सारी जो इकोनॉमी है और सोसाइटी है सब बकवास पे ही टिकी हुई है। अब आप देखिए बकवास करते करते लोग बन जाते हैं पॉलिटिशियन। आप तो सही कह रहे हैं सर। अब यहाँ पे सारे बच्चे परेशान हैं, हम भी रहे एक टाइम पे, बिल्कुल, और हम बकवास करके IAS ना बन पाए। सही कह रहे हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, बकवास इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल अगर सही टॉपिक पे, सही डायरेक्शन में, सही लोगों के, तो इन्फोटेनमेंट का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है बकवास। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है प्रिपरेशन के टाइम पे, तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आपका कहना यह है कि इन्फोटेनमेंट के साथ अगर इसको सही तरीके से चैनलाइज करें तो बकवास ऐसी हमारे जीवन में हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही बात। हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, अपनी लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि इन्फोटेनमेंट अगर चीजों को बना दिया जाए तो लोग किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर यहाँ से फिर अब बात करते हैं, जो हम ये नया इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं यूपीएससी बकवास, जो हमारे चैनल का नाम है, तो आप ये बताइए कि इस चैनल पे आने से, इसके इस पे होने वाली बकवास से या बकवास बाजों को सुन के जो एस्पिरेंट्स आएंगे उनको क्या फायदा होगा, क्या उनका उद्धार होगा? इसका ना जवाब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके देता हूँ। बिल्कुल बताइए। है ना, बकवास के अंदर होता क्या है कि स्टूडेंट्स आते हैं और उनके दिमाग में आता है कि हम बनेंगे IAS, वो लेते हैं कोचिंग में एडमिशन। मैंने भी यही करा था। सबने किया, कोई बताता है कोई नहीं बताता। आपने बता दिया। तो एडमिशन लेते हैं और बैग लेके कोचिंग जाते हैं, नोट्स लिखते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे IAS बन ही जाएंगे, एटीट्यूड भी ऐसा ही रहता है। फिर एग्जाम आता है, बड़े कम लोग जो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं उनके साथ कुछ अच्छा हो पाता है, बाकी सब लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं IAS नहीं बन पाएंगे। अगले साल शुरू होती है, फिर से तैयारी शुरू होती है और फिर बकवास का दौर शुरू होता है। आपका एक ग्रुप बन जाता है, आप लोगों से ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आपने जो पहले साल जो ज्ञान इकट्ठा किया था कोचिंग में रोज जाके नोट्स बना के, अब उसको देना तो है किसी ना किसी को, तो आप उसको देना शुरू करते हो। इससे फायदा किसको होता है? इससे ना बोलने वाले को फायदा होता है ना सुनने वाले को, एक तो चाय वाले को बहुत फायदा होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वो यार बोल, राजेंद्र नगर में भी एक चाय वाला है, वो मेरे सामने सामने वो बहुत बड़ा चाय वाला बन चुका है लोगों की बकवास की वजह से। उसको फायदा होगा, मकान मालिक को बहुत फायदा होगा आपकी बकवास से, क्योंकि इस बकवास से आप 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4, 5 और अगर लगातार, मतलब ये बढ़ता चला जाता है, इस बकवास के बेसिस पे यहाँ की इकोनॉमी चल जाती है पूरी तरह से। तो उनको फायदा होगा, चाय वाले को, मकान मालिक को, जो छोटी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको फायदा होगा। आप कहीं हिस्ट्री पढ़ने चले जाओगे, कहीं इकोनॉमी लगेगा कि इस बार ये पढ़ के हो जाएगा, वो पढ़ के हो जाएगा, तो ये बहुत होगा। और फोटोकॉपी वाले तो आप देख ही सही है। उनका तो खैर उद्धार हो गया इससे। तो इससे इन सब लोगों को फायदा होता है, आपको नहीं होता। तो हमारी जो टीम है, हम लोग जिज्ञासा IAS पे जो बेसिक टीम है, उन लोगों ने सोचा है कि हमने जो पूरा एक्सपीरियंस लिया, चाहे वो कोचिंग जाके हो, चाहे वो ये बकवास करके हो, एक तो ये समझ में आया कि बकवास हमें जब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हमें अच्छा ज्ञान ना हो, और सही डायरेक्शन में करनी चाहिए। तो हमने डिसाइड किया है कि इसको एक इन्फोटेनमेंट के माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, कोर टॉपिक्स लेंगे जो बहुत अच्छे इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन करेंगे, और ये जो बकवास रहेगी ये आपको मेंस में कैसे कनेक्ट करना है टॉपिक, प्रीलिम्स में क्या उससे रिलेवेंट है, इंटरव्यू में क्या है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होना चाहिए, आप रिलेवेंट डायरेक्शन में कैसे सोचेंगे, एनालिटिकल स्किल आपकी कैसे डेवलप होगी, इसके अराउंड हमारा सारा डिस्कशन रहेगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग बकवास करके बाकी सबको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, बाकी चाय वाले वगैरह जो है इनको नुकसान हो सकता है इससे। लेकिन हम किसी का इंटेंशन नुकसान नहीं करना चाहते। नहीं, इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। हमारा इंटेंशन है कि जो इसको सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, उनका उद्धार हो जाए।
हमारा इंटेंशन तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, हमारा इंटेंशन है कि हमारे अंदर जो ज्ञान इतना भर चुका है कि फटने को तैयार है तो इसको किसी को किसी तरह दिया जाए, दिया जाए। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए, सब कुछ फ्री है आजकल। बिल्कुल, तो ये बेसिक पर्पज है। लेकिन उन्होंने सीरियस नोट, हम इसमें बहुत सीरियसली टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, बहुत सीरियसली उस पर डिस्कशन करते हैं, और बीच बीच में हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, आईएएस आईपीएस लोग भी आके यहाँ पे बकवास करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और जितनी भी बकवास होगी वो सारी बहुत एनरिच्ड होगी, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब हैं जिन्होंने कम से कम इंटरव्यूज तो दिए ही हुए हैं यूपीएससी में, तो उन लोगों के जो जितने भी डायमेंशन हैं उन सबके बारे में चीजें बहुत अच्छे से पता है, और सभी लोग बहुत सीरियस हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन और जो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स होती है उनको लेके। तो सर इस बार का आप ये बता दीजिए स्टूडेंट्स को कि जो फर्स्ट एपिसोड आएगा उसमें क्या टॉपिक रखना है। सर वो जो यूपीएससी बकवास का हमारा फर्स्ट एपिसोड आने वाला है तो उसका टॉपिक जो हमने डिसाइड करा है वो है कोर सेक्टर, कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज, और ये टॉपिक भी हम न्यूज़पेपर द हिंदू से उठाते हैं जो हमें लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कई डायमेंशन हो सकते हैं। सो जो हमारा एपिसोड फर्स्ट आएगा उसमें हम कोर सेक्टर के बारे में, उसके वेरियस डायमेंशन, उसको कैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में देखा जाए, क्या होता है, कैसे करना है, सब देखेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, आप हमारे चैनल पे आइए और इस बकवास का मजा उठाइए और अपना सिलेक्शन पाइए। अच्छा ये रहेगा पॉडकास्ट के फॉर्म में, ये वीडियो नहीं रहेगा, ये ऑडियो उसमें रहेगा, ठीक है। चलिए ऑल राइट, तो हम लोग अब बकवास का नया एपिसोड लेके आते हैं, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, बकवास से दूर रहिएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।